ओके जी, अभी बज रहे हैं 7:45 और मैं अभी सो गई हूँ। हाँ, और बस अब मैंने कपड़े पहने, तैयार होना है, नाश्ता करना है, और तब मैंने जो है वो तकरीबन 7:30 बजे निकल जाना है। मेरे रिक्शे वाले अंकल पहुँच जाएंगे, तो क्योंकि अब इट्स गेटिंग सुपर कोल्ड हियर इन आर सिटी, इन आर एरिया, तो मसला ये है कि घर के अंदर से पिक एंड ड्रॉप का मसला होने लग गया है, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, तो नो बडी कैन पिक मी एंड ड्रॉप मी 24/7। दैट्स वाई मैंने रिक्शा ही लगवा लिया है। और आई एम जस्ट नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, और मैं सुबह उठने के हवाले से बहुत 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 ज़्यादा, जैसे कि आप मेरी शक्ल ही देख रहे हैं, तो लेट्स गो। सर, बाहर का आप मंजर चेक करें कि इट्स गेटिंग फॉगी आउटसाइड। और इतनी ठंड में जाना, मतलब कि पहले इंसान रोता फिरता होता है कि यार जॉब से मिल रही, जॉब से मिल रही, जब जॉब मिल जाती है तो इट्स जस्ट लाइक कि ये जॉब नहीं है आसान, बस इतना समझ। एक मिर्च की कुल्फी है और जूस के खानी है। सो हेयर इज़ माई बैग। ये छोटू सा मेरा बैग है जिसमें ये कुछ बॉल पॉइंट्स और ये पानी की बॉटल और मेरा लंच बॉक्स पड़ा था, क्योंकि काफ़ी देर रहना था तो भूख लग जाती है। ये मेरे वो ही वाला सेम ड्रेस जो कि मैंने आपको एक ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो में भी दिखाया था, अपनी विंटर ड्रेस डिज़ाइन वीडियो में, तो वही वाला ड्रेस मैं दोबारा जी आज पहन के जा रही हूँ। यहाँ पे ये सीन था कि मैं देर हो गई, मुझे लेट हो गई, रिक्शे वाले अंकल आ गए, तो मैं रास्ते में बैठ के एप्पल खा रही थी, जस्ट लुक एट मी, वो भी शॉपर में। और ये मेरी जी न्यू वर्क प्लेस है, इट वॉज गेटिंग सुपर 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 कोल्ड, मतलब यार जान निकल रही थी, यू कांट इवन इमेजिन, इतनी सर्दी थी, इट वॉज गेटिंग हेला। विंटर्स बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो चुकी हैं, और ये मैं बैठी हुई हूँ जी, वेट कर रही थी मैं यहाँ पर बैठ कर, और इस वक्त सर्दी से मेरी जान ही निकल रही थी। और ये है जनाब जी ऑफिस मेरा, जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, यहाँ मैं बैठी हुई थी। इस वक्त तक ना का हो चुका था, कोई मिड डे था, तकरीबन 11:30 का वक्त था, और मैं अकेली ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी, इतना कुछ ख़ास काम नहीं था, तो आई वॉज़ जस्ट किलिंग माई टाइम एज़ यू कैन सी, कि मैं सिर्फ टाइम ही किलिंग कर रही हूँ। और ये एक्चुअली मेरी जो है वो न्यू जॉब स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले जो मैंने एक ब्लॉग में जॉब का बताया था, वो मैंने सिर्फ 2 to 3 weeks ही की, एंड देन आई स्विच्ड माई जॉब। और ये देखें जी, मेरी पूंछल बेचारी कितनी छोटी सी हो गई है, उसके बावजूद आई मैनेज टू टाई दिस पूंछल एज़ यू कैन सी। और ओके सर जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो ये कि आई हैव स्विच्ड माई जॉब, एंड जहाँ मेरी जॉब पहले हुई थी वहाँ मैं सिर्फ 2 to 3 weeks ही गई, एंड देन आई ऑफर्ड अनदर जॉब विच वॉज बिट बेटर देन दैट। आई एम नॉट गोना से दैट टू मच बेटर, बट इट वॉज बिट बेटर देन द प्रीवियस वन। सो यहाँ पे आज मेरा 3rd to 4th day है, और यहाँ पे वर्क प्लेस पर कोई ख़ास व्लॉगिंग की परमिशन नहीं, आई मीन सेल फोन ही यूज़ करने की परमिशन नहीं है, तो दैट्स वाई आई कांट व्लॉग मच हियर। बट ये कि मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको बस आइडिया हो जाए, बता दूँ आप सबको, बाकी कीप वॉचिंग, घर जाके इंशाल्लाह व्लॉग करेंगे। यहाँ जी मुझे भूख लग गई थी, 12:30 कोई 1:45 का वक्त था, तो मैं यहाँ पर अपने फ्रूट्स खा रही हूँ। एज़ यू ऑल नो दैट आई यूज़ टू ईट हेल्दी फूड, सो ये समोसे, नान टिक्कियाँ, दिस एंड दैट आर नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये मैं अपने घर से फ्रूट्स ही लाई थी, जिसमें आई थिंक एप्पल, हाँ एप्पल और अनार है, तो आई वॉज़ इंजॉइंग माई फ्रूट ब्रंच, और बस टाइम किल कर रही अच्छा थी यार, फ्रूट। तो वहाँ से तो मैं घर आ गई थी ऑफिस से, तो ऑलमोस्ट 2:45 बजे मैं पहुँची थी, और फिर उसके बाद जो था वो भी बहुत ज़्यादा कुछ किया मैंने, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। एज़ यू कैन सी फ्रॉम माई आइज़, अभी आज 7 बजे जस्ट आफ्टर मगरिब भी मेरा एक टेस्ट था, और मैं वो टेस्ट दे के आई हूँ, और हाँ, डेज आर जस्ट गोइंग लाइक
क्रेजी, आई मीन लाइक जस्ट लाइक रोलर कोस्टर, इतना ज़्यादा समझ ही नहीं आता कहाँ से दिन चढ़ता है कहाँ से ख़त्म हो जाता है। और आपको पता है कि आजकल किस कदर फॉग हो रही है, सर्दी हो रही है, तो इट्स जस्ट सो हार्ड टू वेक अप एंड लीव योर बेड एंड लीव योर कम्फर्टर एंड देन गो आउटसाइड। बट खैर, अल्लाह पाक हिम्मत देने वाले हैं। तो आज का जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज के साथ व्लॉग को एंड करेंगे, एंड दैट इज़ कि जो शिकवा होता है ना, उससे बेहतर होता है शुक्र, यानी कि शुक्र शिकवे से बेहतर होता है। तो देखिए, मुझे जो पहले जॉब मिली, इट वॉज़ क्वाइट अ स्मॉलर लेवल ऑफ जॉब, और अब जो जॉब मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ रिस्पेक्टेबल जॉब। तो ऐसा होता है कि जब आप कभी कभार सारी चीज़ें, बल्कि कभी कभार क्या, हमेशा ही सब चीज़ें अल्लाह पाक पे छोड़ देनी चाहिए, और वो रास्ते बनाने वाला है। जब आप एक, उनको भी पता है, देखें आप ये नहीं कह सकते या कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा लेवल नहीं है और दिस एंड दैट। अल्लाह पाक नोज़ बेटर कि किसका क्या लेवल है और किसको किस लेवल पर रखना है, और वो उसको उसी लेवल तक लेकर भी जाता है। सफ़र अलग हो सकता है, प्रोसेस जो है वो स्लगिश हो सकता है, स्लो हो सकता है, बट अल्टीमेटली यू रीच ओवर द एज ऑफ योर डेस्टिनेशन इंशाल्लाह, एंड यू विल। तो जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं जस्ट लाइक मी हु आर क्वाइट वरीड अबाउट देयर जॉब्स एंड दिस एंड दैट, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगर आपको स्टार्टिंग में एक छोटे से लेवल से भी स्टार्टअप लेना पड़े तो इट्स मोर देन ओके फॉर यू। नेवर गो इन एनी काइंड ऑफ नखरे, लो योर स्टैंडर्ड अ लिटिल बिट, नॉट दैट मच बट अ लिटिल बिट। रिस्पेक्टेबल जॉब को देखें, एंड एक्सपीरियंस फेज में हैं तो इनकम से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे करें फोकस, एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्रेयर, शेयर नहीं, प्रेयर, आई नीड योर प्रेयर्स मोर देन योर शेयर्स। सो अल्लाह हाफिज़।